राजस्थान के मुख्य परीक्षा के नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक तरफ नैतिक दुविधा को पढ़ना है इथिकल डायलेमा नैतिक द्वंद्व को पढ़ना है जो नए सिलेबस के आने के बाद 2021 में जिस पर सवाल भी पूछा गया बहुत परिचयात्मक सवाल था कि नैतिक द्वंद से आप क्या समझते हैं और दूसरी तरफ केस स्टडी का भी टॉपिक लगा हुआ है तो जब आप आर की एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की तैयारी जब आप करते हैं तो आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि हो सकता है कि नैतिक दुविधा पर आगे आर के द्वारा एक ऐसा सवाल पूछा जाए नैतिक दुविधा को लेकर जिसमें नैतिक दुविधा का समाधान पूछा जाए जो यूपीएससी ने दो बार पूछा अभी तक तो उसने ये पूछा कि नैतिक दुविधा क्या है अब वो ये पूछेंगे कि नैतिक दुविधा का लोक प्रशासन के प्रक्रमों में कैसे समाधान होगा 2018 में यूपीएससी ने पूछा और 2021 के एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने यह पूछा कि क्या नैतिक दुविधा का समाधान करने के लिए नैतिक जो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस किस हद तक सहायक होता है तो यहां पर हम लोग आर एस के प्रशासनिक नीतिशास्त्र का जो जो प्रशासनिक जो नीतिशास्त्र है इस प्रशासनिक नीतिशास्त्र के टॉपिक में हम लोग यहां पर क्या देखेंगे हम लोग प्रशासनिक नीतिशास्त्र के टॉपिक में यह देखेंगे कि जो नैतिक दुविधा आपको पढ़नी है नैतिक द्वंद आपको जो पढ़ना है अगर उसको केस स्टडी से अगर केस स्टडी से उसको जोड़कर पूछा गया तो फिर आप कैसे उसका जवाब देंगे और नैतिक दुविधा के क्या उदाहरण आप दे सकते हैं क्योंकि नैतिक दुविधा पर एक ये बात करना कि नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं एक दूसरा है कि नैतिक दुविधा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करिए एक तीसरा प्रश्न है कि नैतिक दुविधा के खड़े होने पर आप उसका समाधान कैसे करेंगे एक चौथा प्रश्न है जो यूपीएससी ने पूछा कि नैतिक दुविधा भावा जो भावात्मक बुद्धि होती है उसके द्वारा कैसे उसका समाधान किया जा सकता है तो को वाले भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं नैतिक दुविधा या जिसको आप नैतिक द्वंद कहते हैं यह जो नैतिक द्वंद है यह कब खड़ा होता है देखिए कोई भी दुविधा हो जीवन में वो बहुत क्या है एक कठिन स्थिति में व्यक्ति को डाल देती है क्योंकि जब कोई दुविधा किसी व्यक्ति के सामने खड़ी होती है किसी व्यक्ति में कोई दुविधा जन्म लेती है तो उसका सबसे खराब नतीजा यह होता है कि व्यक्ति एक किंग कर्तव्य विमूढ़ होने वाली स्थिति से गुजरना शुरू कर देता है कि क्या करूं क्या न करूं आगे पहाड़ है और पीछे खाई है आगे बढ़ता हूं तो पहाड़ को चढ़कर उतरना पड़ेगा जो लगभग मुश्किल लग रहा है असंभव लग रहा है और पीछे जा नहीं सकते क्योंकि खाई है तो नैतिक दुविधा क्या करती है या कोई भी दुविधा क्या करती है वो व्यक्ति को व्हाट टू डू क्या करना है चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको लेकर मन में एक असमंजस जन्म ले लेता है और आप के लिए उपयुक्त क्या होगा इसमें आपको दोनों जो चीज़ें आपको सामने दिखती हैं या दोनों जो विकल्प आपको दिखते हैं वो दोनों विकल्प आपको ठीक लगते हैं या आपको दोनों खराब लगते हैं जैसे जब किसी व्यक्ति के सामने दो ऐसे विकल्प दिखें जो दोनों खराब लगें या दोनों ठीक लगें तो वह व्यक्ति नैतिक दुविधा का सामना या वह व्यक्ति दुविधा का सामना कर रहा है अगर वह दुविधा कार्यों को लेकर है व्यवहार को लेकर है अगर वह दुविधा व्यक्ति के गुणों से संबंधित है तो जो भी व्यक्ति के गुणों और कार्यों को लेकर जो दुविधा होगी वह नैतिक दुविधा होगी जैसे मान लीजिए कि आप जयपुर में एक बहुत शानदार मैरिज पार्टी में गए हैं जहां पर खाने पीने का खूब अच्छा प्रबंध है और आपके सामने दो ऐसी डिशेज आ रही है जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो दो ऐसी डिशेज में कौन सी डिश खाऊं ये कोई नैतिक दुविधा नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति के गुणों और कार्यों से नहीं दरअसल व्यक्ति के चयन और रुचि से जुड़ी हुई है तो अगर व्यक्ति के रुचियों से संबंधित कोई बात है उसके सामान्य जीवन के दिन प्रतिदिन के जीवन के चयन से संबंधित बात है तो वो दुविधा नैतिक हो ये जरूरी नहीं है लेकिन अगर व्यक्ति के कार्यों से संबंधित कोई बात है अगर व्यक्ति के आचरण से संबंधित कोई बात है व्यवहार से संबंधित बात है जहां पर सवाल सही और गलत का है जहां पर सवाल अच्छे और बुरे का है तो वो व्यक्ति क्या है नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है तो दुविधा सदैव व्यक्ति के सामने दो विकल्पों के खड़ा होने पर, पर पैदा होती है दोनों के दोनों के विकल्प जो है उपयुक्त लगते हैं सही लगते हैं या अच्छे लगते हैं दोनों के दोनों जो विकल्प हैं वो दोनों के दोनों विकल्प सही लगते हैं उपयुक्त लगते हैं या अच्छे लगते हैं और इसके साथ ही जो नैतिक दुविधा होती है जो यहाँ पर जो नैतिक दुविधा है उस नैतिक दुविधा के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि उसमें यह निर्णय लेना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि इसका उदाहरण क्या है क्योंकि मैंने ये एजेंशन लिया कि समाधान पर तो बात करेंगे लेकिन समाधान पर बात करने के पहले ये बात कर लें कि नैतिक दुविधा प्रशासनिक क्षेत्र में किस रूप में सामने आती है तो यहां पर हम लोग उदाहरण को फॉर्म नहीं करेंगे उदाहरण बनाएंगे नहीं उदाहरण जो केस स्टडीज में जो आई के केस स्टडीज में नैतिक दुविधा पर सवाल पूछे गए हैं उनको कह लेंगे वो सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे यहां पर एक उदाहरण लेते एक केस स्टडी को लेते हैं कि कल्पना करें कि आप एक सामाजिक सेवा योजना की क्रियान्विति के कार्य प्रभारी हैं जिससे बूढ़ी एवं निराश्रय महिलाओं की सहायता प्रदान किया जाता है आप किसी योजना के अगर क्रियान, क्रियान्वयन के प्रभारी है, हैं इंचार्ज ऑफिसर हैं जिसमें बूढ़ी और महिलाओं बूढ़ी महिलाओं और निराश्रित महिलाओं को आ, सहायता प्रदान की जाती है तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके लिए एक विशेष पद होता है जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आ, इसके लिए जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट होती है दूसरे राज्यों में भी हो सकती है तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है जो पेंशन से लेकर तमाम इस तरह के जो आ, जो सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य होते हैं उनसे उनको क्या है क्रियान्वित करता है अब एक अधिकारी है मान लेते हैं कि जिला समाज कल्याण अधिकारी है उसके सामने एक बूढ़ी और अशिक्षित महिला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आती है और उस महिला के पास पात्रता के मानदंडों को पूरा करने वाले कागजात जो होने चाहिए वो दिखाने के लिए नहीं हैं परंतु उससे मिलने और उससे सुनने से आपको यह महसूस होता है कि उसे सहायता की निश्चित रूप से आवश्यकता है आप इसके बाद जांच भी करते हैं मतलब जो, जो अधिकारी महोदय हैं जो सामाजिक सेवा योजना को लागू कर रहे हैं वो जांच भी करते हैं और जांच में भी ये पाया जाता है कि वास्तव में जो महिला बूढ़ी महिला मिलने के लिए आई थी सहायता के लिए आई थी वास्तव में दयनीय दशा में है और बिना किसी सहारे के अपना जीवन गुजार रही है आप इस धर्म संकट में हैं कि क्या किया जाए यू आर इन डायलेमा तो यहां पर डायलेमा यही है बच्चों। ये है ये जो है, ये धर्म संकट शब्द का जो अनुवाद है ना डायलेमा है आप इस धर्म संकट में हैं कि क्या किया जाए यू आर इन डायलेमा टू वॉट टू डू अब धर्म संकट है क्या डायलेमा है क्या उसे बिना आवश्यक कागजात के अगर योजना में सम्मिलित किया जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और जब आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप गलत काम करेंगे सही काम आ, सही नहीं कर रहे होंगे यू आर कमिटिंग अ रॉन्ग एक्शन और अगर आप सहायता के लिए मना करते हैं तो मना करने पर आप यहां पर अच्छे इंसान नहीं रह जाते हैं अगर आप उसको मदद करते हैं तो आप नियम तोड़कर एक दक्ष अधिकारी नहीं रह जाते हैं एक नियम को मानने वाले अधिकारी नहीं रह जाते हैं और अगर आप उस बूढ़ी महिला को मदद नहीं करते हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं रह जाते हैं तो अगर कोई ये पूछे कि क्या डायलेमा है डायलेमा यहां पर उचित और अच्छे के बीच का है उचित मतलब जो नियम के अनुरूप हो और अच्छा मतलब जहां पर परिणाम आपको ठीक मिले यहां पर कह आप नियमों का पालन करते हैं तो आप उस बूढ़ी महिला को मदद नहीं दे सकते तो अगर आप उचित रहते हैं तो अच्छे नहीं रह जाएंगे आप उसको मदद नहीं देंगे और अगर आप उसको सहायता करते हैं तो आप नियम को तोड़ेंगे तो किस प्रकार का धर्म संकट है किस प्रकार की नैतिक दुविधा है यह डायलेमा किस प्रकार का है दिस इज द एथिकल डायलेमा ऑफ डूइंग डूइंग राइट एंड बीइंग गुड यह एक जो डायलेमा है यह डायलेमा किस बात का है यह डायलेमा उचित करने का सही करने का और अच्छा होने का है अब यहां पर जैसे इसके समाधान के बारे में भी जैसे मैंने बताया कि ये डायलेमा है तो पहले तो आपको जो एथिकल डायलेमा हो तो उसको पहचानना आना चाहिए कई बार लोग बहुत सारा डिटेल वगैरह लिख रहे हैं कि ऐसा है वैसा कुछ नहीं है भाई जो एथिकल डायलेमा होते हैं उनको बस एक दो लाइन में आपको पकड़ना आना चाहिए यू मस्ट यू मस्ट बिहाव लाइक अ डॉक्टर देयर आर देयर आर डायग्नोसिस You should identify the characteristics of the cases, and you will find what are the what are the diseases क्या रोग है इसको आपको पाना इसको आपको समझना पड़ेगा तो यहां पर आप देखेंगे कई बार ये होता है कि लोग बहुत ब्यौरा देने लगते हैं डिटेल की ऐसा है कुछ नहीं भाई अच्छे और सही की दुविधा के बीच में क्या है कई बार इंसान पिस जाता है अगर वो सही करता है तो अच्छा परिणाम नहीं कई बार हासिल होता है और अगर वो अच्छा करता है तो सही तरीके को छोड़ना पड़ता है जैसे कि अगर मैं ट्रैफिक पर खड़ा हूं और मुझे देर हो रही है और देर वो हो रही है कि, कि किसी को ऑपरेशन थिएटर में जरूरी दवाइयां पहुँचानी हैं तो मैं ट्रैफिक नियम का पालन करता हूं तो उसको जरूरी दवाई नहीं पहुंचेगी अगर मैं सही तरीके से काम करता हूं तो अच्छा परिणाम नहीं होगा और अगर मैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके उसको सही दवाई या उसको दवाई पहुंचा देता हूं तो मैंने अच्छा काम तो किया लेकिन मैं सही नहीं रह जाता हूं कानूनी दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी तो जिंदगी में जो ये दुविधाएं होती हैं ये जब इस तरह की खड़ी होती है तो बड़ी जानलेवा दुविधा होती है कि अगर सही करता हूं तो अच्छा नहीं रह जाता हूं और अगर अच्छा करता हूं तो सही नहीं रह जाता हूं जैसे आप देखिए यहां पर कि अगर पुलिस अधिकारी बहुत बेरम, बेरहमी के साथ कुछ लोगों से पूछताछ न करें तो कई बार क्या है वो जो बहुत ही हैबिचुएटेड जो ऑफेंडर्स होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं उनको उनको जानकारी उनसे हासिल न कर पाए तो अगर वे मानवीय दृष्टिकोण से अच्छाई को ध्यान में रखते हुए करें तो ऐसी स्थिति में वो सही नतीजे नहीं ले पाएंगे इसलिए यह दुविधा क्या है पैदा होती तो इसमें किसकी दुविधा है इसमें उचित और अच्छे के बीच की दुविधा है कि नियम का पालन करते हैं उचित काम करते हैं तो अच्छा नतीजा उत्पन्न नहीं होगा फिर यहां पर हम लोग दूसरे पॉइंट को क्या है देखते हैं या इसी का इंग्लिश वर्जन है इंग्लिश वर्जन में इसलिए लिया है मैंने किसी चीजें क्या है और क्या है क्लियर होंगी कि कैन यू थिंक रैशनल वे टू सीधे ये इथिकल डायलेमा यहाँ पर दिया गया है और इथिकल डायलेमा को कैसे क्या है रिजोल्व किया जाएगा इसको यहाँ पर बताया गया है अब एक अधिकारी के तौर पर आप सोचिए कि आप क्या करेंगे हो सकता है कि मैं अपने आ, अपने जूनियर जो ऑफिसर्स हैं उनको बुलाकर कर कहूँ कि ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करो जिसमें कोई एलिजिबल है पर्सन लेकिन उसे सोशल स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं और ऐसे तरीके खोजो ऐसे वेज ऐसे मींस खोजो जिनसे हम क्या है ऐसे लोगों तक योजनाओं का लाभ क्या है पहुंचा सकें हो सकता है कि यहां पर यह कहा जाए कि माता जी अगर आप आ, अगर आप ग्राम पंचायत से जो ग्राम के जो अध्यक्ष ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनसे कुछ लिखवा कर दे देती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको इस सामाजिक योजना का लाभ क्या है मिल सकता है तो यहां पर यह है ये भी हो सकता है कि आपके मन में आए कि मैं उसको अपनी जेब से मदद कर दूं देखिए किसी व्यक्ति को जेब से जब हम मदद करते हैं तो व्यक्तिगत गुणों और इंसानियत के हिसाब से तो हम बहुत अच्छा सिद्ध हो जाते हैं लेकिन एक इफिशियंट ऑफिसर ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक प्रभावी अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पर हम ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं इसलिए जो है एक निराश्रित विधवा बूढ़ी महिला को अपने जेब से सहायता करने से मैं एक दयालु इंसान के रूप में सिद्ध होता हूं लेकिन मैं एक इफिशियंट ऑफिसर के रूप में सिद्ध नहीं होता हूं और यहां पर ध्यान रखना है कि आपको इफिशियंट ऑफिसर के रूप में क्या है सिद्ध होना या आपको दिखना चाहिए इसलिए ऐसे तर्कों को देते समय इन सब चीजों को ध्यान में रखें फिर मैं एक दूसरा उदाहरण ले रहा हूं ये मैंने नैतिक दुविधा का जो नैतिक दुविधा होती है या जो नैतिक द्वंद होता है ये नैतिक द्वंद का मैंने दूसरा उदाहरण लिया है इथिकल डायलेमा का ये आईएएस 2017 में पूछा गया आईएएस 2017 में यह पूछा गया पिछला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें सामाजिक सेवा योजना वाला वो आईएएस 2016 का सवाल था आप एक स्पेयर पार्ट कंपनी ए के मैनेजर हैं और आपको एक बड़ी उत्पादक कंपनी बी के मैनेजर से सौदे के लिए बातचीत करनी है एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बातचीत करने के लिए जाता है सौदा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है तथा आपकी कंपनी के लिए यह सौदा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है डिनर पर सौदा किया जा रहा है मैनेजर जहां पर आप बातचीत करने के लिए गए हैं वहां पर आपको डिनर पर ले गया है डिनर के पश्चात जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि चलिए आपको अलग से टैक्सी वगैरह करने की जरूरत नहीं है मैं अपनी ही गाड़ी से आपको आपके होटल छोड़ देता हूँ होटल जाते समय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो मैनेजर हैं उस मैनेजर ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल पर जो सवार व्यक्ति था वो बुरी तरह से घायल हो गया आप ही उसके साथ बैठे हुए हैं और आप जानते हैं कि मैनेजर साहब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर थे उसके बारे में स्पेयर पार्ट कंपनी के मैनेजर के रूप में आप जानते हैं कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और ओवर स्पीडिंग के क्रम में ही गाड़ी पर वे कंट्रोल खो बैठे जब पुलिस वाले या लॉ इन्फोर्सिंग ऑफिसर्स इस घटना की जांच करने के लिए आते हैं तो आप ही इस घटना के एकमात्र क्या है प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं सड़क दुर्घटना के कड़े कानून को जानते हुए स्पेयर पार्ट कंपनी के मैनेजर के रूप में आप ये जानते हैं कि आपके इस घटना में सच्चे बयान देने से कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के बाद वो उनको सजा हो जाएगी और सजा हो जाने के साथ ही ये जो सौदा है जिसके जिस बातचीत के लिए आ पाए हैं जिस निगोश जिस बिजनेस डील के लिए आ पाए हैं वो बिजनेस डील खतरे में पड़ जाएगी यह सौदा आपकी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक स्पेयर पार्ट कंपनी का मैनेजर जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर से बिजनेस डील के लिए जाता है और वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जिससे वो बात करने गया है वो कंपनी का जो मैनेजर है वो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक आदमी को टक्कर मार देता है यहां पर इस परिस्थिति का सामना आप कैसे करेंगे और इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी सबसे पहले यहां पर आप देखें कि यहां भी एक नैतिक दुविधा है और इस प्रश्न में जिसमें जो आई 2017 का जो ये प्रश्न है इसमें आप देखें कि एक मैनेजर जो है यहां पर एक मैनेजर साहब हैं जिनको जो स्पेयर पार्ट कंपनी के मैनेजर हैं यह है ए और दूसरे मैनेजर साहब हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर हैं जो क्या है बी है जो एक्सीडेंट होता है इसके एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह है पहली सिचुएशन लेते हैं कि यदि मैं सत्य का सत्य का खुलासा करता हूं सत्य क्या है कि साहब इन्होंने बहुत तेज गाड़ी चलाई थी और इस तेज गाड़ी चलाने की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ यदि मैं सत्य का खुलासा करता हूं करता हूं तो मैंने बी नाम के मैनेजर को जेल हो जाएगी और कंपनी का जो सौदा है वह सौदा खतरे में पड़ जाएगा ठीक है दूसरा यदि मैं सत्य को छिपाता हूं सत्य को मैं छिपाता हूं खुलासा नहीं करता हूं छिपाता हूं तो दुर्घटनाग्रस्त दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल वाले के साथ अन्याय होगा ठीक है तो या तो मैं सत्य का खुलासा करूंगा या मैं सत्य को छुपाऊंगा तो या तो सौदा खतरे में पड़ेगा या मोटरसाइकिल वाले के साथ अन्याय होगा सौदा जब खतरे में पड़ेगा तो यह मेरी दक्षता के लिए इफिशियंसी के लिए घातक होगा और अगर मोटरसाइकिल का जो सवार है उसके साथ अन्याय होता है तो यह मेरी नैतिकता के लिए घातक होगा इसीलिए दिए गए केस स्टडी में इफिसियंसी और एथिक्स का क्या है इशू है ये नैतिक दुविधा क्या है नैतिक दुविधा यह है कि एक तरफ आपके मैनेजर के रूप में आपकी दक्षता है और दूसरी तरफ क्या है एथिकल वैल्यूज है एथिक्स है नैतिकता है कई बार जब आप नैतिक तरीकों से काम करते हैं तो आप दक्ष नहीं होते हैं और जब आप दक्षता को अपनाते हैं तो नैतिक नहीं होते हैं एक मूवी आई थी गुरु जो धीरू भाई अंबानी पर बनी हुई थी तो उस मूवी में दिखाया गया कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को आगे ले जाने के लिए कई ऐसे नियम थे जिन नियमों के जो लूप होल्स थे उसका क्या फायदा उठाया तो कानूनी दृष्टि से मान लीजिए कि आप किसी को पकड़ ना पाए क्योंकि उसने खुले तौर पर कानून का उल्लंघन नहीं किया लेकिन कानून की कमजोरियों का फायदा उठाया तो नैतिक दृष्टि तो गलत हो गया और नैतिक दृष्टि गलत होने के होने के बावजूद उन्होंने कहा दक्षता या प्रभावशीलता इफेक्टिविटी इफेक्टिवनेस इसको क्या हासिल की तो कई बार जिंदगी में क्या होता है कि आप नैतिक नहीं रह जाते लेकिन आप दक्ष बन जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आप इफिसियंसी को रखने के लिए आप नैतिकता को छोड़ देते हैं और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि भाई देखो जिंदगी में एथिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों को साथ साथ ले चलना मुश्किल हो जाता है आ, मुझे याद है कि जब इंफोसिस की आ, स्थापना हुई थी तो नारायण मूर्ति और उनकी टीम के बारे में एक बात बहुत चर्चा में थी कि उन्होंने सारे जो भारत में टैक्सेशन के जो लॉज हैं जो आ, कराधान के जो कानून हैं उन कराधान के कानूनों का पालन करते हुए मुनाफा अर्जित किया है सरल भाषा में बात करूं तो कई बार यह लगता है कि बिना गलत तरीके अपनाए हुए जिंदगी में कोई बहुत आगे बढ़ ही नहीं सकता ये भी बात लोग करते हैं समाज में इसका मतलब यह है कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं जब आप बहुत इफिशियंट होना चाहते हैं बहुत इफेक्टिव होना चाहते हैं तो कई बार आपको नैतिकता का रास्ता क्या है छोड़ देना पड़ेगा अब उस मोटरसाइकिल के सवार के बारे में अगर मैं सोचता हूं कि अरे यार मैं अकेला प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं और अगर मैंने पुलिस में गवाही दे दी कि इनके ओवर स्पीडिंग करने की वजह से इस मोटरसाइकिल चालक को टक्कर लगी और बुरी तरह से घायल हुआ है तो यहां पर मैं नैतिक रूप से मेरा कद क्या है आगे बढ़ जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि मैं निश्चित रूप से जिस कंपनी से डील करने गया हूं मेरे ही गवाही की वजह से उस कंपनी के मैनेजर को जेल हो रही है या उसको कोई अर्थदंड लग रहा है या दोनों हो रहा है तो या तो उसको सजा मिलेगी या जुर्माना मिलेगा या जुर्माना होगा या दोनों होगा तो यहां पर मेरी इफिशियंसी का सवाल क्या है उठ जाएगा यह इसलिए क्या है और एक और बात है कि केवल इस केस स्टडी में एथिक्स और इकोनॉमिक्स का ही डायलेमा नहीं है या इफिशियंसी और एथिकल वैल्यूज का ही डायलेमा नहीं है दरअसल यह उचित और अच्छे का भी डायलेमा है अच्छा इंसान किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहेगा लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो व्यवहारिकता का तकाजा है वो यह कहता है कि आपको क्या है आपको जो है लार्जर गोल के लिए भी क्या है काम करना चाहिए तो इसलिए यहां आप देखेंगे कि ये इसमें एक क्या है नैतिक दुविधा है पहले केस स्टडी का जो मैंने उदाहरण लिया जिसमें एक सामाजिक सेवा योजना को लागू करने वाला जो अधिकारी है वो उचित और अच्छे के बीच में सही और अच्छे के बीच में एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है कि सही करता हूं तो अच्छा छूट जाता है और अच्छा करूंगा तो सही नहीं रह जाऊंगा यहां पर क्या है इथिक्स और इफिसियंसी का डायलेमा है कि अगर इफिशियंसी के बारे में सोचता हूं इफेक्टिवनेस के बारे में सोचता हूं एज ए मैनेजर सोचता हूं तो मेरे लिए कंपनी के लिए ये जो भी डील है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इसलिए मुझे ये डील हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए और उस मोटरसाइकिल वाले के बारे में कौन सा सोचना वो कौन सा मेरा सगा रिश्तेदार है आ, उसको चोट हो जाए कुछ भी हो जाए उसका जीवन इसके बाद पूरा विकलांगता में व्यतीत हो मुझसे इसे क्या लेना देना है मैं उसके प्रति जिम्मेदार रही हूँ और इंसानियत के तकाजे वगैरह की कोई बात नहीं है तो ये दूसरे प्रकार का डायलेमा है अब एक तीसरा केस लेता हूँ जिस केस में उलझन इतनी ही बड़ी है और ये जो केस आया बच्चों तो ये केस दरअसल क्या है इसमें इंग्लिश वर्जन को भी मैंने लिया है ये जैसा मैंने कहा कि आई एस में पूछा गया था कि यू आर द मैनेजर ऑफ ए स्पेयर पार्ट कंपनी ए And you have to negotiate a deal with the manager of a large manufacturing company B. The deal is highly competitive and sealing the deal is critical for your company. The deal is being worked out over a dinner. After dinner, the manager of manufacturing company B offered to drop you to the hotel in his car. On the way to the hotel, happens to hit a motorcycle, injuring the motorcyclist badly. You know the manager was driving fast and thus lost control. The law enforcement officer comes to investigate the issue, and you are the sole eyewitness to it. Knowing the strict laws pertaining to road accident, you are aware that your honest account of the incident would lead to the prosecution of the manager, and as a consequence, the deal is likely to be. Geoparadised, which is of imminent importance to your company. What are the dilemmas you face? The dilemma you face is is being effective and doing ethical works. That is dilemma. The dilemma you face is uh, uh, is among the ethical values. एंड इकोनॉमिक वैल्यूज ये डायलेमा है और इसके साथ ही व्हाट विल बी योर रिस्पांस टू दिस सिचुएशन आपका इस सिचुएशन में क्या रिस्पांस रहेगा ये सवाल पूछा गया तो इसका मैंने आपको जवाब ये है कि इस डायलेमा को कैसे आप फेस करेंगे तो मैंने इस डायलेमा को फेस करते समय 2017 वाले एग्जाम में बत, इसके बाद मैंने बताया जब सॉल्व करवाया तो मैंने बताया कि क्यों एक तीसरा तरीका ढूंढे और वो तीसरा तरीका क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मैनेजर को कन्विंस करें कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि उससे गलती हुई है और इसके साथ ही कानूनन जो उसको जो भी पनिश किया जा रहा है इस बात को एक्सेप्ट करे यहां पर एक तरीका यह हो सकता है इसमें फिर किसी भी व्यक्ति को छिपाने वगैरह की जरूरत कह नहीं रहेगी अगर वो इस बात के लिए आमादा है कि नहीं मैं जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मुझसे कोई गलती हुई है तो वो इस डील के संदर्भ में भी आगे कह सकता है कि आपसे डील करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बी को कोई फायदा नहीं हुआ है इसलिए फायदा नफा नुकसान के हिसाब से अगर मैंने मोटरसाइकिलिस्ट के संदर्भ में सोचा तो मैं भविष्य में यहां पर भी इस संदर्भ में क्या सोचूंगा तो इसका ये रास्ता क्या है यहां पर एक निकाला जा सकता है फिर इसी तरह से एक और सवाल है किसी राज्य विशेष की राजधानी में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर आपको इस प्रतिष्ठित परियोजना के परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना गया है अगले दो वर्षों में परियोजना को पूरा करने की समय सीमा 30 जून 2021 है क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा होने से पहले क्या है होना है जो तो चुनाव की घोषणा है चुनाव की घोषणा होने से चुनाव की घोषणा से पहले होना है निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण करते समय संभवतः खराब सामग्री के इस्तेमाल के कारण एलिवेटेड कॉरिडोर के एक पाए में एक छोटी सी दरार देखी गई अब यहां पर घटनाक्रम क्या है मुड़ रहा है कि आपको परियोजना प्रबंधक के रूप में क्या है चुना गया पेशेवर क्षमता और आपके अनुभव के आधार पर लेकिन जो आप ये कहें कि जो इंस्पेक्शन टीम थी उसने इंस्पेक्शन करते समय पाया कि जो कॉरिडोर बन रहा है एलिवेटेड उसमें एक दरार है क्रैक है उसमें और उसके बाद एक परियोजना प्रबंधक ने इसमें एक कैरेक्टर क्या हो गया परियोजना प्रबंधक इसमें दूसरा जो कैरेक्टर अब आ गया वो है मुख्य अभियंता का चीफ इंजीनियर का मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे का काम इसमें क्या है रोक दिया गया आपके द्वारा यह आकलन किया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम से कम तीन पायों को तोड़ना और उनका पुनर्निर्माण किया जाना देखिए यहां पर आपने जैसे ही दरार पाई क्रैक पाया आपने सीधे चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म किया और काम रोक दिया दो चीजें आपने की आपका जो एस्टिमेट है आपका जो एक तरह से है, अनुमान है वो क्या है कि तीन पायों को तोड़ना होगा और उसका पुनर्निर्माण किया जाना है परंतु यह प्रक्रिया परियोजना में जो डेडलाइन पहले से तय की गई है यहां पर जो समय सीमा है यह पहले से तय की गई है इस समय सीमा को चार से छह महीने देरी की तरफ ले जाएगी और मुख्य अभियंता जो हैं चीफ इंजीनियर जो हैं उन्होंने इंस्पेक्शन टीम के अवलोकन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि एक छोटी सी दरार है जो किसी भी तरह से पुल की क्षमता और टिकाऊपन को प्रभावित नहीं करती एक परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके आकलन और चीफ इंजीनियर के जो आकलन हैं, वो आकलन बिल्कुल डिफरेंट है तो यहां पर क्या है डिफरेंट थॉट्स और एक तरह से अपोजिट आ रहे हैं ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंस ऑफ द व्यूज आ रहा है उसने आपको आपके निरीक्षण दल के अवलोकन की अनदेखी कर उसी गति तथा लय के साथ काम जारी रखने का आदेश दिया उसने आपको सूचित किया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते हैं क्योंकि वे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री से चुनाव की घोषणा होने से पहले करवाना चाहते हैं ये क्या है पहले करवाना चाहते हैं मतलब ये समय सीमा को लेकर क्या है यहां पर बात की गई यह भी सूचित किया गया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है अच्छा अब यहां पर दो कैरेक्टर्स और आ गए एक तो परियोजना प्रबंधक का कैरेक्टर था ही एक किरदार दूसरा किरदार मुख्य अभियंता का था तीसरा जो किरदार इसमें आ गया वो किरदार आ गया मंत्री का और चौथा किरदार इसमें आ गया मंत्री के रिश्तेदार ठेकेदार का उसने आपको इशारा भी किया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति मंत्रालय के विचाराधीन है तथापि आपने दृढ़ता से महसूस किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के पाए में छोटी सी दरार फुल की क्षमता और जीव जीवन काल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी इसलिए एलिवेटेड कॉरिडोर की मरम्मत न करना बहुत ही खतरनाक होगा मतलब ये खतरनाक होगा अब वे कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं जिनका परियोजना प्रबंधक सामना कर रहा है परियोजना प्रबंधक जिस नैतिक दुविधा का सबसे पहले सामना कर रहा है वो है एक तरफ उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं आधिकारिक कर्तव्य हैं जो मुख्य अभियंता के आदेशों से जुड़े हुए हैं जो उसका इमीडिएट बॉस है वो चीफ इंजीनियर है और चीफ इंजीनियर एक सीधे कह रहा है कि दरार पर इतना ध्यान मत दो समय सीमा के हिसाब से काम करो तेजी से एलिवेटेड कॉरिडोर को पूरा करो तो एक तरफ ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, दूसरी तरफ सार्वजनिक हित है कि पुल एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो टूट सकता है भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है उसकी मरम्मत करना जरूरी है तो यहां पर आप देखेंगे कि आधिकारिक कर्तव्यों और सार्वजनिक हितों को लेकर जो धारणाएं होती हैं जब इनको लेकर वास्तव में एक दुविधा खड़ी हो जाए तो यह भी एक बहुत बड़ी दुविधा होती है दरअसल हितों का टकराव होना हितधारकों के बीच में ये स्वाभाविक बात है जैसे मेरा एक व्यक्तिगत हित हो सकता है और दूसरा सार्वजनिक हित हो सकता है लेकिन यहां पर मेरी दुविधा यह है कि एक तरफ ऑफिशियल ड्यूटीज है जिसमें ऊपर से मुझे आदेश प्राप्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा अगर ये पुल क्या है बनता है अगर ये जो पुल है यह पुल बनता है तो या एलिवेटेड कॉरिडोर अगर बनता है तो ये क्या है ये इसके विपरीत होगा फिर इसके साथ ही यहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें यह भी है कि अगर आप चीफ इंजीनियर की बात मानते हैं तो सीधे सीधे कह रहा है कि आपका प्रमोशन मिनिस्ट्री के सामने विचाराधीन है ध्यान रखना और इसका मतलब है कि एक तरफ आप जो है व्यक्तिगत हित है प्रमोशन होना आपका व्यक्तिगत हित है और दूसरी तरफ क्या है सार्वजनिक हित है दूसरी तरफ जो है वह क्या है सार्वजनिक हित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में बनारस में कैंट स्टेशन के ठीक सामने एक एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा था और बनने के दौरान ही वो गिर गया और कुछ मजदूर उसमें मारे गए तो अब यहां पर अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन को लांछित किया जाता है इंजीनियर को लांछित किया जाता है इनफैक्ट वहां पर क्या है ट्रैफिक को रोकना भी लगभग असंभव था ये सब बातें क्या हो रही थी तो एक तरफ आधिकारिक कर्तव्य है आपके एक तरफ क्या है व्यक्तिगत हित है प्रमोशन का व्यक्तिगत हित है और दूसरी तरफ जनता के जीवन से जुड़े हुए खतरे से बचाने का सार्वजनिक हित है इसमें यह भी यहां पर भी एक नैतिक दुविधा का सामना क्या है आप कर रहे हैं तो यहां पर जो परियोजना का जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर यहां पर इस प्रकार की नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है तो कुल मिलाकर आई 2016, दो 2017 सोलह और आई 2021 के नैतिक दुविधा पर आधारित केस स्टडी को मैंने उदाहरण के रूप में लिया और आपको बताया मैंने कि नैतिक दुविधा प्रशासनिक मामले में कैसे खड़ी होती है कितना शानदार उदाहरण यूपीएससी ने अपने प्रश्नों में क्या है पूछा और ये सब वास्तविक उदाहरण है जीवन में इस प्रकार के सवाल उठते रहते हैं अब आगे के एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे किया जाएगा तो आपको लगातार एक कॉन्टीन्यूटी में क्लासेस को करता है करते रहना है देखना है और इन सब में ऐसी नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए कुछ इनोवेटिव क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं इस पर भी बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद